हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये देखिए डिजाइनर फंदा डालना बताऊंगी। यूँ तो डिजाइनर फंदा कई तरह से डाला जाता है, इसमें से ये भी एक है। तो चलिए देख लेते हैं डिजाइनर फंदा कैसे डालेंगे। फ्रेंड्स, इस फंदे को डालने के लिए सबसे पहले देखिए दो सिलाई लेंगे। आप चाहें तो सिंगल सिलाई पर भी फंदा डाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नॉर्मली जैसे फंदा डाला जाता है वैसे ही हम ऐसे फंदा डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टू के मल्टीपल जो है फंदा डालेंगे। तो चलिए ऐसे ही टू के मल्टीपल फंदा डाल लेते हैं जितने की आवश्यकता है, फिर दिखाते हैं। ये देखिए टू के मल्टीपल मैंने फंदा डाल लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें से एक सिलाई को ऐसे निकाल लेंगे। देखिए से हो गया। अब ये हमारी सेकेंड साइड है और ये फर्स्ट साइड है। तो इस साइड से देखिए हमें क्या करना है। देखिए फर्स्ट फंदा जो है बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे इस तरीके से। देखिए सीधा बुन लिए। अब नेक्स्ट फंदे को कैसे बुनना है, ये जो हमारा नीचे वाला लूप है इसको ऐसे पकड़ लेंगे इस तरीके से। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ऐसे सिलाई को फिर से देखिए सिलाई को ऐसे नीचे से ले जाएंगे और धागा को ऐसे सिलाई पे चढ़ा के फिर से वापस ऐसे आगे लाएंगे। आगे लाने के बाद यहाँ से देखिए इस फंदे को बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे इस तरीके से। फिर से देखिए सिलाई को ऐसे नीचे से ले जाएंगे और सिलाई पे इस फंदे को ऐसे चढ़ाते हुए वापस ऐसे लाएंगे और नेक्स्ट फंदा को बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे। एक बार और देखिए सिलाई को ऐसा नीचे ले जाएंगे, धागा को सिलाई पे चढ़ाते हुए जैसे बुनाई करते हैं उस तरीके से आगे लाएंगे और नेक्स्ट फंदा ऐसे बैक लूप से सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से बन रहा है। ऐसे ही जितना फंदा है सबको बुन लेना है। तो चलिए ऐसे ही पूरा बुन लेते हैं। देखिए ऐसे ही पूरा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है। देखिए लास्ट में दो फंदा जो बचा है तो उसके लिए पहले देखिए सिलाई को नीचे से ऐसे धागा ले आएंगे आगे और ये फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे बैक लूप से और इस फंदे को भी ऐसे ही बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। देखिए ये हमारी फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो को इस तरीके से बुन लिया। अब सेकेंड रो को देखिए कैसे बुनना है हमें। सेकेंड रो में पहला फंदा बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा भी बैक लूप से ही सीधा बुनेंगे। देखिए ऐसे हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए
ये जो हमारा फंदा है इसको हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इसको ऐसे उतार लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से, एक बार फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये वाला जो फंदा है हमारा इसको ऐसे उतार लेंगे, इस सिलाई पे धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को बैक लूप से ही ऐसे सीधा बुनेंगे। सेकेंड रो को ऐसे ही पूरा बुन के कंप्लीट करना है। चलिए ऐसे ही पूरा यहाँ तक बुन लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक पूरा बुन लिए, लास्ट का जो दो फंदा है तो उसको सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को बैक लूप से ऐसे सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरीके से। अब थर्ड रो में क्या करना है हमें, देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। थर्ड रो को कैसे बुनेंगे, देखिए पहला फंदा जो है ऐसे सीधा बुनेंगे। देखिए पहला फंदा सीधा बुन लिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फंदा जो है और ये, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। देखिए मतलब यहाँ पे दो फंदे का एक करना है। तो देखिए इन दोनों को ऐसे उठाएंगे, बैक लूप से ऐसे सीधा बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से, फिर से देखिए इन दो फंदों को सिलाई पे ऐसे बैक लूप से उठाएंगे और ऐसे सीधा बुनेंगे। देखिए ऐसे ही दो फंदे का एक कर देंगे। देखिए ठीक, ये लास्ट का तीन फंदा है, तो इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे ऐसे और ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको भी बैक लूप से ऐसे सीधा बुन लेंगे। देखिए अब फ्रेंड्स रॉन्ग साइड से पूरा फंदा एक बार उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद इसके आगे आप कोई भी बॉर्डर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।